हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एयरटेल के राउटर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड आप लगवा रहे हो उसके राउटर आपको दिखाऊंगा और उस राउटर के बटन एंड पोर्ट्स के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये एयरटेल का राउटर है। एयरटेल जो एक्सट्रीम फाइबर आप लगवाओगे उसका राउटर कुछ इस तरह का आपको मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास ये वाला है, जो कि मैंने 40 Mbps का जब इंटरनेट कनेक्शन लिया था तो मुझे ये वाला राउटर उन्होंने लगा के दिया था। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कितनी सारी यहाँ पे लाइटें हैं। लाइटें के बारे में आप पढ़ सकते हो कि किस किस चीज़ों की लाइटें हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हो, इसको मैं खोल देता हूँ। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 4 LAN पोर्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर फ़ोन के लिए मिल जाता है और यहाँ पर ये अडेप्टर जो है इसको लगाने के लिए है। और यहाँ पर एक रीसेट बटन मिल जाएगा और यहाँ पर ऑन ऑफ बटन भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस तरफ आपको एक USB का पोर्ट मिलता है। ये इसलिए होता है, मेरे को उन्होंने बताया था कि अगर आप इसको इस लैन पोर्ट के जरिए आप अपने कंप्यूटर में जब यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट करोगे और आपके पास USB का पोर्ट नहीं होगा कहीं कंप्यूटर में खाली, तो आप यहाँ पर USB की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने ये बताया था। बाकी आप देख सकते हो कि ये ZTE का राउटर है। तो अभी जो मैंने 10 Mbps पर लगाया है वो राउटर कुछ अलग तरह का है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो जब इसको आप पावर ऑन करोगे तो यहाँ पावर की लाइट जल जाएगी, इंटरनेट चालू होएगा तो इंटरनेट की लाइट जल जाएगी, जो लैन पोर्ट। बाकी दोस्तों, जब आप इसको पावर से कनेक्ट करोगे तो ये वाली लाइट जल जाती है। उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट होती ये लाइट जल जाएगी, जो लैन कनेक्ट होंगे ये लाइन लाइट ऑन हो जाएगी। और साथ ही फ़ोन अगर कनेक्ट किया तो फ़ोन ऑन हो जाएगा और वाईफाई ऑन हो ही जाएगा, क्योंकि ये वाईफाई ऑन हो चुका होता है। सिग्नल लॉस होती है, यहाँ पे लाल रंग की लाइट जल जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का है ये। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।